नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हेडलाइंस से। साईनगर में दिन दहाड़े 3.25 लाख की सेंधमारी, वृंदावन वसात के बंद घर को निशाना बनाया चोरों ने। बलात्कार के आरोप का बदला लिया अश्लील वीडियो बनाकर, फेसबुक पर अश्लील MMS प्रकरण के खुलासे ने उगला सच। भीषण सड़क दुर्घटना में बालक सहित 3 की मौत, घटना चांगापुर मार्ग की, इस्तेमा से लौट रहे सुमो ने बाइक को मारी टक्कर। नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष ने दिया जिले के सर्वांगीण विकास का आश्वासन। और पुलिस दस्ते पर हुआ पथराव, मध्य रात्रि की घटना, अपराध दाखिल, 39 साल भूखंड घोटाले पर भी पुलिस बना रही वस्तुनिष्ठ अहवाल। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जा। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सोमवार की दोपहर राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले साईनगर स्थित वृंदावन वसाहत निवासी प्राध्यापक मुंजे के बंद घर को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने 3.25 लाख रुपयों की साहसी सेंधमारी की। दिन दहाड़े हुए इस वारदात से साईनगर परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले साईनगर के वृंदावन वसाहत निवासी प्रोफेसर मुंजे के बंद घर को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने 3.25 लाख रुपयों के जेवरातों पर हासा किया। सोमवार को दिन दहाड़े चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात जब हुई तब प्रोफेसर मुंजे और सौ प्रोफेसर मुंजे दोनों कॉलेज गए हुए थे और घर को ताला लगाया था, पर प्रोफेसर मुंजे दोपहर को जब घर पहुंचे तो उन्हें घर का ताला टूटा और सामान बिखरा दिखाई दिया। चोरी की घटना की सूचना पाकर पुलिस दल भी घटनास्थल पहुंच गया। सौ मुंजे और प्रोफेसर मुंजे ने घटना की जानकारी दी। आगे की जांच जारी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। ही जी चोरी है ही कई पहली चोरी साईनगरातली नहीं है। हा भाग नेहमी चोरांकडून गेल्या अनेक वर्षापासून टार्गेट करण्यात आलेला आहे। ह्या अगोदर सुद्धा साईनगर परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या झाल्या, परंतु पोलीस प्रशासनाला अजूनपर्यंत चोर पकडण्यात अपयश आलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही सर्व साईनगरवासी या घटनेचा छडा लावून पोलीस प्रशासनानं ताबडतोब चोरांना अटक करावी एवढी मागणी या प्रसंगी करतोय। डॉन सोसायटीतला प्लॉट क्रमांक 68B आहे, तिथे मुंजे म्हणून लेक्चर आहेत, तिथे अकोलाचे राहणारे। काही 11:30 सुमाराला बाहेर पडले आणि 2:00 परत आले, त्या दरम्यान त्यांच्या घराचं समोरच्या दरवाजाचं कुलूप तोडून चोरी केलेली आहे। साधारणतः 3.18 लाखापर्यंतचं सोन्याचे दागिने चोरीला गेलेले आहेत त्यांच्याकडचे, आणि अलमारी उघडी मिळालेली आहे, अलमारीला लॉक नव्हतं, त्यामुळे सहज चोरी होऊ शकली। ज्यावेळेला ते आले त्यावेळेला चोर बहुतेक पाठीमागच्या दारांनी पळून गेले। फेसबुक पर अश्लील क्लिपिंग अपलोडिंग करने का प्रकरण महानगर में जोरों शोरों से चर्चा में है। बलात्कार का आरोप करने वाले युवती से बदला लेने के लिए आरोपी युवक ने उक्त आरोपकर्ता युवती की ये अश्लील वीडियो शूट कर उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। बदले की आग में उसने ये कदम उठाया। पुलिसिया जांच में ये किस्सा उजागर हुआ। इस घटना की पूरे शहर भर में चर्चा है। 3 वर्ष पूर्व बलात्कार का आरोप किए जाने का फिल्मी विलेन की तरह बदला निकालने वाले आरोपी शिव कुमार नीलकंठ बोंद्रे उम्र 28 वर्ष मनकन्ना प्लॉट अकोली के रहवासी को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। महाविद्यालयीन छात्रा का यौन शोषण करने वाले विवाहित प्रेमी ने अश्लील वीडियो क्लिपिंग निकाल कर बार बार ब्लैकमेल किया। ब्लू फिल्म व फोटो फेसबुक पर अपलोड कर उसकी बदनामी की। शहर कोतवाली पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार किया है।
उसके चंगुल में फंसी छात्रा बिना बताए घर से रात रात भर गायब रहती थी। एक दिन उसका वाहन बस डिपो के पास लावारिस खड़ा था। परिजनों ने पुलिस से अनुरोध कर मामले की तह तक पहुंचने को कहा था। पुलिस द्वारा छात्रा को विश्वास में लेकर इस मामले की गुत्थी सुलझाई। 18 वर्षीय छात्रा कॉलेज परिसर के एक हॉस्टल में रहती है। 3 वर्ष पूर्व उसकी जान पहचान हुई थी। शुकुमार द्वारा मौके का लाभ उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी। सबूतों के अभाव में शुकुमार की निर्दोष मुक्तता हुई थी। उसके बाद भी शुकुमार व उप छात्रा में दोस्ती हुई, दोनों डेटिंग करने लगे। एक दिन छात्रा की अश्लील फोटो मोबाइल में कैद कर ली गई। इस बीच शुकुमार का विवाह हुआ। विवाह होने के बावजूद उसने उप छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा। ब्लू फिल्म के बहाने छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। उसे शेगांव, ओंकारेश्वर, अकोले बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। बार बार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने प्रतिरोध किया, जिसे शिवकुमार ने उक्त अश्लील फोटो व फिल्म फेसबुक पर अपलोड कर दी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 366, 376, 292 और 67 सूचना तकनीकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी का 30 मार्च तक PCR लेकर गहन पूछताछ जारी है। PSI कविता इसार कर इस मामले की जाँच कर रही है। महानगर के चांगापुर मार्ग पर रविवार की देर रात हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक 11 वर्षीय बालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वलगांव मार्ग से अमरावती की ओर आ रहे एक टाटा सुमो की टक्कर उसी मार्ग पर चल रहे दुपहिया वाहन को बैठकर ये भीषण हादसा हुआ। रविवार की देर रात 12:30 बजे के करीब वलगांव रोड पर चांगापुर और नौसारी के बीच हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग और एक बच्ची की मौत हो गई। शव को जिला सामान्य अस्पताल लाए जाने के बाद यहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा होकर गुस्सा दिखा रहे थे। दरियापुर के इज्तिमा से लौटते समय हादसे के शिकार बने मृतकों की शिनाख्त स्थानीय अलहिला कॉलोनी निवासी मोहम्मद आसिफ मोहम्मद अजबुद्दीन उम्र 40 वर्ष, तारखेड़ा निवासी मोहम्मद हारून शेख याकूब उम्र 35 वर्ष और 11 वर्षीय सूफियान हारून बेग के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रिश्ते में साडू आसिफ और हारून भाई दरियापुर में धार्मिक परिषद में भाग लेकर लौट रहे थे। उनकी बाइक बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अमरावती की ओर आ रही थी। पीछे पीछे इज्तिमा में शामिल लोगों का एक जत्था ट्रक में कुछ अन्य वाहनों पर आ रहे थे। रात बहुत होने से इज्तिमा स्थल पर ही धीरे धीरे लौटने की हिदायत दी गई थी। उसी तरह खोलापुर और वलगांव में जलपान आदि के लिए यहां लोग रुके भी थे। वलगांव रोड पर चांगापुर और नौसारी के बीच एक तेज रफ्तार टाटा सुमो ने हारून और आसिफ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। धड़क इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 11 वर्ष का सूफियान बुरी तरह जख्मी हो गया। इज्तिमा से लौट रहे और पीछे पीछे आ रहे सैकड़ों लोग फौरन वहां जमा हो गए। सुमो के नीचे फंसी बाइक को खींच कर बाहर निकाला गया। इन दोनों ने देखा कि सूफियान में कुछ जान बाकी है, तुरंत उसे उठाकर इरविन लाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे भी मृत करार दे दिया। खूबसूरत मासूम सूफियान की मौत से कई लोगों को बड़ा आघात लगा। चश्मदीदों ने आरोप लगाया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार टाटा सुमो MH04 CT0717 का चालक केवल नशे में धुत था, बल्कि गाड़ी में दारू की बोतली भी पड़ी थी। भीषण हादसे को अंजाम देकर चालक और गाड़ी में सवार लोग गाड़ी छोड़कर गधे के सिर में सिंह की तरह गायब हो गए। गार्गीनगर पुलिस ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही PSI पवार और स्टाफ मौके पर पहुंचा। लोगों में बड़ा रोष था, उन्हें समझाया गया। रात 1 बजे इरविन अस्पताल पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। अमरावती जिला परिषद में बहुमत वाले कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करते हुए राष्ट्रवादी, सेना, भारतीय जनता पार्टी, प्रहार, इन पार्टियों ने एकत्रित होकर जिला परिषद पर सत्ता स्थापित कर दी है। नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षा सूर्यका ठाकरे, इनका हाल ही में भव्य सम्मान किया गया। जिला परिषद अध्यक्षा सूर्यका ठाकरे ने सभी मित्र पक्षों के साथ मिलकर जिले के सर्वांगीण विकास का उद्दिष्ट रखा है। सिटी न्यूज को दिए साक्षात्कार में उन्होंने ये जानकारी दी। जिले का सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्दिष्ट है, ऐसा आश्वासन जिला परिषद अध्यक्षा सूर्यका ठाकरे ने सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सुजेता द्वारा लिए गए साक्षात्कार में दिया। और अभी जो आपके सामने
पूरा 2.5 साल का कार्यकाल है। इस कार्यकाल में आपको सेना को भी उतना ही यानी जो आपने जिस कारण से आप कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस से अलग जाने का